नमस्कार किसान साथियों, एग्रोजेटिस मेला में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे मौसमी की खेती के बारे में कि हम मौसमी की खेती कैसे करें, इसकी कौन सी किस्मों को अपनाएं, इसके कीट व रोगों की रोकथाम कैसे करें तथा इसका उत्पादन कितना और कैसे हम अधिक से अधिक लें। तो इन सभी चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहें। सर्वप्रथम हम जानते हैं मौसमी के लिए उपयुक्त जलवायु के बारे में। मौसमी सर्दी व गर्मी दोनों प्रकार की जलवायु में अच्छी तरह से पनप सकती है, परंतु जिन स्थानों की गर्म जलवायु हो तथा वर्षा कम होती हो वो मौसमी के लिए सबसे उपयुक्त जलवायु होती है, क्योंकि अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में नमी अधिक होती है जिसके कारण मौसमी में कीट व रोग अधिक लगते हैं जिससे उत्पादन कम मिल पाता है। मौसमी के लिए दोमट मृदा सबसे उपयुक्त होती है जिसका पीएच मान 5.5 से 7.5 के मध्य हो तथा जिसकी गहराई 1.5 से 2 मीटर के लगभग हो। वैसे तो मौसमी की अनेक किस्में हैं, लेकिन मौसमी की कुछ ही किस्मों को व्यावसायिक तौर पर अपनाया जाता है, जैसे सतगुड़ी, जाफा, बालड्रेड, मौसम्बी आदि। ये प्रमुख किस्में हैं जिनकी खेती बड़े क्षेत्र पर की जाती है। मौसमी की खेती के लिए जून जुलाई के अंदर 6x6 मीटर की दूरी से इसके गड्ढे खोदे, गड्ढों को लगभग 1.5x1.5 फुट के हिसाब से आप खोद लें तथा इन गड्ढों को 15 से 1 महीने के लिए खुला छोड़ दें ताकि इस गड्ढे के अंदर मृदा के अंदर कीट व रोग नष्ट हो जाएं तथा इस गड्ढों को 25 से 30 केजी गोबर की खाद और 1 केजी सिंगल सुपर फास्फेट से भर दें। मौसमी बहुवर्षीय बागवानी फसल है। अच्छी उपज लेने के लिए नियमित रूप से खाद और उर्वरक देने चाहिए जिससे पौधे का विकास अच्छी तरह से हो और अच्छी गुणवत्ता के फल प्राप्त हो। मौसमी के पौधे को प्रथम वर्ष 10 किलो गोबर की खाद, 1 किलो नीम की खाद, 100 ग्राम नाइट्रोजन, 150 ग्राम फास्फोरस, 150 ग्राम पोटास देना चाहिए। इसी प्रकार 5 वर्ष बाद इसको दोगुना करते हैं। 5 वर्ष के बाद आप 30 किलो गोबर की खाद, 5 किलो नीम की खाद, 800 ग्राम नाइट्रोजन, 300 ग्राम फास्फोरस, 600 ग्राम पोटास निर्धारित मात्रा वर्ष में 3 बार देनी चाहिए। इसके अतिरिक्त 250 ग्राम सूक्ष्म पोषक तत्व है वर्ष में 1 बार देने चाहिए। घुलनशील उर्वरकों के छिड़काव से पैदावार काफ़ी अच्छी मिलती है। मौसमी की खेती लगाने के बाद पौधे को स्थिर होने के लिए 2 महीने लगते हैं। पौधे को लगाने के बाद नियमित पानी देना चाहिए। मौसमी की खेती में हो सके तो ड्रिप सिंचाई का उपयोग करना चाहिए। पौधों को सर्दी के मौसम में 10 से 15 दिन और ग्रीष्म में 5 से 10 दिन में हल्की सिंचाई करते रहना चाहिए। खेत में बरसात का पानी रुकाव न हो इसका ध्यान रखना चाहिए। मौसमी के बाग को खरपतवार मुक्त रखना चाहिए। इसके लिए पौधे को आसपास 1 मीटर तक दूरी तक खुदाई करती रहनी चाहिए। मौसमी को छतरे का आकार देना चाहिए जिसके लिए हमें तने के 2.5 फीट ऊंचाई तक 4 से 6 टहनी रखनी चाहिए। प्रथम वर्ष पौधे को लकड़ी की सहायता से सहारा भी देना चाहिए। मौसमी मुख्यतः 3 बहारें आती हैं, जुलाई, अगस्त, सितंबर, नवंबर और फरवरी मार्च, जिसको मरग हस्त और अंबिया के नाम से जाना जाता है। 5 वर्ष बाद मौसमी का पौधा फल उत्पादन लायक हो जाता है और पौधे में भार अवस्था पहचानने के लिए 1.5 से 2 माह विश्राम देने पर पौधे को भरपूर फूल आते हैं, इसे ही भार कहा जाता है। विश्राम अवस्था में पौधे की देखभाल अच्छी तरह से आप करें, खरपतवार मुक्त रखना चाहिए और फलदार पौधे से सूखी और रोगग्रस्त टहनियों को निकाल देना चाहिए। तने पर गोंद दिखाई देने पर उसे साफ कर देना चाहिए तथा बोर्डो मिश्रण का लेप कर देना चाहिए। चूँकि मौसमी खेती नम्र की फसल है तो अन्य प्रक्रिया जैसे नर्सरी प्रवर्धन, प्रवर्धन कैसे करें, इसके रोग व कीटों का निदान कैसे करें, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, उस पर क्लिक कर आप जानकारी प्राप्त कर